दिवाली ये एक नाम नहीं एक त्योहार है, जहाँ हर कोई अपनों के साथ मिलकर खुशियाँ सजोता है। दिवाली ये सिर्फ एक नाम नहीं एक एहसास है, जिसको बस महसूस किया जा सकता है मेरे भाई। तो आइए मेरे साथ आज मिलकर कहते हैं हेलो हाय नमस्कार, मेरा नाम है राहुल, वेलकम टू माय चैनल व्लॉगिंग हंग एंड आप सभी को हैप्पी हैप्पी दिवाली। तो टाइटल हमने लेके आप समझ ही गए होंगे कि आज के इस व्लॉग में हम बात करने वाले हैं दिवाली सेलिब्रेशन के बारे में, क्योंकि इस बार अपने होम टाउन कालिम्पोंग में मैंने किस तरीके से अपनी दिवाली को सेलिब्रेट किया अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और पहाड़ों पे सेलिब्रेशन कैसा होता है दिवाली का, लोग कैसे सेलिब्रेट करते हैं, कैसी पूजा होती है, कल्चर कैसा हम यहाँ पे फॉलो करते हैं, ये आपको देखने को मिलेगा इस ब्लॉग के अंदर। क्योंकि शहरों की दिवाली तो आपने काफी देखी होगी, लेकिन आज मैं आपको दिखाऊंगा अपने कालिम्पोंग होम टाउन की दिवाली। कहते हैं कि दिवाली से पहले अपने मन के अंदर की और घर के अंदर की सफाई कर लेनी चाहिए ताकि सुख समृद्धि चलती रहे, ठीक है। तो पहले घर की सफाई करते इस ब्लॉग को स्टेप बाय स्टेप कम्प्लीट करेंगे। तो पहले मैं चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ किस तरीके से हमने घर में पेंट वेंट करवाया है, कैसे साफ सफाई करी है। आपको देख के थोड़ा अच्छा लगेगा कि आपका ब्लॉगर भाई थोड़ा मेहनत भी कर ही लेता है, ठीक है। आप बने रहो वीडियो में, मैं जरा आता हूँ सामान वामान लेके, फिर करते सफाई यार, ठीक है। मम्मी एक सूखा कपड़ा और कॉलिन का डिब्बा दे दो, पहले खिड़की से सफाई चालू करता हूँ। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा। तो भाई साहब सभी के यहाँ पे सफाई जा रही है, तो हमने भी ब्रश और बाल्टी उठा ली है, पूरा रंगारंग कार्यक्रम यहाँ पे है। और बाकी इस तरफ देखोगे तो ये टेक्सचर जो दिखा रहा था मॉर्निंग में वो भी सही हो गया है। वीडियो शूट हमारी मम्मी कर रही है, कैमरामैन पर्सन हमारी मम्मी थी, और बाकी आप उसको कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आपको थोड़ी देर बाद मिलता हूँ। उसको कंप्लीट करने के बाद उसके बाद दिखाते हैं कि ऐसा कैसा पेंटिंग हुआ है हमारे घर पे, तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो ये सारा अभी जो व्हाइट व्हाइट आप देख रहे हो सबसे से पुट्टी हुआ है, इस पर पेंट होगा। बड़े वाले मामा वहाँ पे खतरों के खिलाड़ी मैन वर्सेस वाइल्ड बन के पूरा बांस वास कर रहे हैं कि पेंट हो जाए बढ़िया सा। तो ये हमारे ठेकेदार है तो भाई साहब 4-5 दिन लगकर घर पे पेंटिंग कराते हुए साफ सफाई कराते हुए जो घर चमका है ना, क्या ही बताया आपको मैं। और ये साफ सफाई करते हुए आ चुका था धनतेरस, जो कि दिवाली से पहले आता है। कहते हैं कि दिवाली के दिन में अगर आप माँ लक्ष्मी को खुश कर दो तो ये घर पे अच्छी चीजें चलती रहती है। अब मैं इतना बड़ा तो हुआ नहीं हूँ कि माँ लक्ष्मी को खुश कर दो, देवी देवता को खुश कर दो, तो लेकिन मैंने सुना है और आपने भी सुना ही होगा कि अगर आप अपने माता पिता को खुश कर दो तो वो भी भगवान को खुश करने बराबर ही है। तो इस बार धनतेरस में मैंने अपनी मम्मी को कुछ गिफ्ट किया जो कि मैं बहुत साल से सोच रहा था। तो देखिए क्या गिफ्ट करा मैंने, कैसे खुश करा अपनी माँ लक्ष्मी माता को, यानी कि अपनी माँ को। तो देखिए आपको भी देख के अच्छा लगेगा कि आपका ब्लॉगर भाई, चलो ठीक है, अपनी मम्मी को तो खुश कर ही रहा है। तो देखिए क्या गिफ्ट करा मैंने अपनी माता श्री को। तो मम्मी के लिए गिफ्ट लेने के लिए सबसे पहले पहुंचा मैं एक ज्वेलरी शोरूम में, जो कि अभी रिसेंटली ओपन हुआ है हमारे कालिम्पोंग में, जिसका नाम है HS ज्वेलरी, जो कि है CK चौक कालिम्पोंग में। ये शोरूम मैंने इसलिए चुना क्योंकि यहाँ पे आपको मिलते हैं लॉट्स ऑफ डिज़ाइन आपकी सारी ज्वेलरीज कैटेगरी में, और काफ़ी बजट रेट में, तो यहाँ तो आना बनता ही है बॉस। तो जैसे कि धनतेरस है, तो धनतेरस में काफ़ी ज़्यादा क्राउड है, काफ़ी भीड़ भड़का है, सब लोग बिजी है उसमें, वेट कर रहे हैं। जैसे टाइम आता है तो लेते हैं कुछ सामान गिफ्ट के लिए मम्मी के लिए। देखो क्या ले रहा हूँ, आपको थोड़ी देर पता लगेगा। तो आपको मिला तो एक पर्सन से जो भी आपने शीशे में देख लिया यार, ओ माय गॉड। सो मैं दिखाई देता हूँ, सो ये हमारी सोनी जी। हाय, कैसे हो आप? और क्या कहते हैं कि काफी अच्छी कोरियोग्राफर है डांस, तो मैं क्या ही बोलूं, मतलब एक्सप्रेशन से ये सबको मार देती है। CK चौक पे है हमारी शॉप, विच इज हनुमान शुभम ज्वेलर्स, और फर्स्ट फ्लोर में गोल्ड ज्वेलरी है, सेकंड फ्लोर में सिल्वर ज्वेलरी है। और तो आओ देखो। अच्छा, कोई मेरे कहने से डिस्काउंट मिला है? क्योंकि सब लोग ऐसे बोलते हैं सब डिस्काउंटेड रेट, सब डिस्काउंट मिलेगा, मतलब वैसे मेरे, मतलब इफ यू नो व्लॉगिंग हंग, यस थोड़ा बहुत मिलेगा, जरूर मिलेगा। हम रेट्स ऐसे बताएंगे कि आप डिस्काउंट मांगोगे ही नहीं। क्या बात है, क्या कि मेरा नंबर तो आ गया, काफी लेट था, बाकी थैंक यू शो भैया, काफी अच्छे तरीके से आपको दिखा दिया। बाकी जो मैंने लिया है वो है ये, और बाकी आपको घर पर जाकर दिखा दे, इसके अनबॉक्सिंग इसमें है क्या, तो अपने घर निकलते और आगे का अपडेट आपको फिर घर पहुँच कर देता है। तो अब ज्वेलरी शॉप के बाद सीधे आ चुके हैं घर पर, मम्मी को देने सरप्राइज। अब देखते हैं मम्मी का रिएक्शन कैसा होने वाला है, कि सो होप मम्मी को अच्छा लगे। तो मम्मी किचन में, अब चलते हैं किचन में और देते थोड़ा सरप्राइज। हेलो, नहीं 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 अभी नहीं, अभी नहीं,
ये लो खोलो। हाँ खोलो खोलो खोलो। कैसा लग रहा है? सोने का है? और क्या, चांदी का, पीतल का ही है। चलो मिलता हूँ आगे। यार सच बताऊँ ना, ये जो मम्मी के चेहरे पे स्माइल आई ना, ये मतलब प्राइसलेस है, इसके कोई कीमत नहीं। यार मेरे को काफ़ी अच्छा लगा कि मम्मी ने वो एक्सेप्ट करा, उनको ये चीज़ अच्छी लगी है। तो इस गिफ्ट देने लेने की कार्यक्रम को सकते हैं साइड पे और आपको सीधे लेके चलते हैं दिवाली की शाम को कि किस तरीके से हमने अपने दिवाली घर पे सेलिब्रेट किया। बारी है खुद को भोग लगाने की, मतलब कुछ खाने पीने की, क्योंकि भूख बहुत तेज लग रही थी और कुछ उतना ज़्यादा स्पेशल बना नहीं था, लेकिन हाँ जो बना था वो मेरा फेवरेट था। मतलब पूरी प्लेट में मैंने पूड़ियाँ भर ली थी और जो छोले की सब्जी बनी थी दही डाल के, आहा क्या ही कहने, पानी तो मेरे मुँह में उसी टाइम आ गया था। पता नहीं आपको वीडियो में देख के कुछ फील हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो खाना पीना तो हो ही गया और जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था कि कैसे यहाँ पे दिवाली की शाम को कन्याएं आती है के लिए परफॉर्म करने के लिए, जो कि एक लोकल कल्चरल सॉन्ग होता है जिसमें कि एक आशीष होता है, आशीर्वाद होता है कि घर पे खुशी बनी रहे, शांति बनी रहे और सब लोग अच्छे से रहे। और आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे बैलूनी सेलिब्रेशन होता है कालिम्पोंग टाउन में। तो चेक दिस आउट। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। तो फर्स्ट टीम हाई पुकनुबा हमरो घर में हैप्पी दिवाली। तो बारी अब लास्ट पटाखे को पड़काने की, मतलब 30 shots, यानी कि मेरे पास एक, मैं आज एक रॉकेट लेके आया था, रॉकेट लॉन्चर ही बोल दो उसको, वो एक एक फायर में 30 shots देगा ऊपर जाके। चलो भाई अब आग लग रही है 30 shots में, देखते हैं क्या होता है रिजल्ट्स। सारे लोग एक्साइटेड है। 30 shots काउंट डाउन, 1 2 3। Next day. Good morning everyone. So, सुबह हो चुकी है and I hope आपको अभी तक का वीडियो अच्छा लगा होगा। जैसे कि आपने देखा किस तरीके से हमने शाम के टाइम में दिवाली को सेलिब्रेट किया घर में, पूजा करके, डिनर करके, डांस करके, और जिस तरीके से बैलूनी टीम आई थी जिन्होंने परफॉर्म किया अपने लोकल कल्चर सॉन्ग को, आपको भी देख के आई होप वो अच्छा लगा होगा। आप कमेंट करके बता सकते हो कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अब बारी है देव सूर्य खेलने की। जिस तरीके से लड़की आती है बैलूनी खेलने के लिए, उसी तरीके से लड़के जाते हैं रात को देव सूर्य खेलने के लिए, जिसमें कि लड़के भी लोकल कल्चर को, फोक सॉन्ग को प्रेजेंट करते हैं, कल्चरल ड्रेस पहन के आते हैं और काफ़ी इन्जॉय होता है। तो मेरे लिए भी ये फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा कि मैं उनके साथ जाके पार्टिसिपेट करूँगा, अपने लोकल कल्चरल सॉन्ग को गाऊँगा, फील करूँगा, एक्सपीरियंस करूँगा, तो वो भी आपको देखे काफ़ी अच्छा लगेगा। तो आपको मैं पहले देवसूरी टीम के पास लेके जाऊँ, आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटे को दबा देना मेरी सभी वीडियो नोटिफिकेशन के लिए,
और अगर आप इंस्टाग्राम पे हो तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिए, जहाँ मैं बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें शेयर करता हूँ, आपको देखे काफी अच्छा लगेगा। और शेयर करते हैं अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी घर बैठे बैठे देख सके कालीपुंग के दिवाली वाइब को। तो चलिए अब आपको लेके चलते हैं देव सूर्य की वाइब को फील करने के लिए। देव सूर्य स्टार्ट करने से पहले मैं मिलाना चाहूंगा हमारे टीम के कैप्टन साहब, जिनका नाम है भक्ते बड़ा, जो कि पिछले 5 साल से सिर्फ 50 साल के ही है। हैप्पी दिवाली, आई टू मच हैप्पी टुडे। कैसे लग रहा है सब खेले हमारे बड़ा सा फिलहाल अब दीदी को घर में जाने हमी देवसी खेलने रमाइलो करने आई लाइक द राहुल एंड टेक द वीडियो एंड देवसी पार्टी आई लाइक आई एंड द टू मच हैप्पी टुडे। तो फाइनली शाम हो चुकी है, देव सूर्य खेलते खेलते पूरी पलटन यहाँ पे है और एक से एक लोग जुड़े जा रहे हैं यहाँ पे मामा वगैरह सब है। तो अब एक घर पे और यहाँ पे घर तक स्टार्ट। तो Oh, oh, oh.
तो रात के 8-9 बज चुके हैं और अब हम चल रहे हैं अपने, मतलब अभी और भी खेलेंगे पर लेकिन अब जो देवसरी खेलेंगे सीधे खेलेंगे मेरे घर पे। अभी 12 बजे तक 1 बजे तक खेलेंगे। 12-1 बजे तक हिम्मत नहीं है मेरा, खेल लूंगा मैं 12-1 बजे तक। हम खेलेंगे। अंधेरा, गुप्त अंधेरा है पर लोग, लेकिन मजा बहुत आ रहा है सागर बाबा। नहीं ठीक है ठीक है, चलो ठीक है, सीधे घर पे मिलते हैं। नहीं नहीं अभी खेलेंगे 12 बजे तक। तो फाइनली अब आ चुके हमारे घर पर और देवसरी का एंड होने वाला है, तो एंड होगा हमारे घर पर। तो चलिए चलते फिर, आओ ले ढपली मजा। मम्मी स्वागत के लिए खड़ी है। मैं नाचू तू नचा, तो भैया यहाँ होगा एंड, डबली वाले भी आ गए। तो ये हमारी टीम है, भक्त बड़ा की टीम। मम्मी ने पूरी फैंट हो सकी है। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारे घर पे एंड का देवसुरी का, तो बने रहो वीडियो में और आपको दिखा दे देवसुरी की वाइफ मेरे घर से। सो फाइनली दिवाली सेलिब्रेशन इज ओवर एंड आई होप आपको जितना भी मेरा सेलिब्रेशन था दिवाली का आपको अच्छा लगा होगा। जिस तरीके से मैंने अपने होम टाउन का कल्चर आपको अपनी वीडियो के थ्रू दिखाया, आई होप वो भी आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, दिवाली सेलिब्रेशन अच्छा लगा हो, ये लोकल कल्चर, ये फ्लोक सॉन्ग अच्छे लगे हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और इस वीडियो को आप लाइक भी कर सकते हो और शेयर भी कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी घर बैठे बैठे हमारे कालिम्पोंग के कल्चर को फील कर सके और एक्सपीरियंस कर सके आपके ब्लॉगिंग हंग के वीडियो के थ्रू। छठ पूजा अब आने वाली है, तो छठ पूजा का ब्लॉग भी आपको देखने को मिलेगा ब्लॉगिंग हंग चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरी तमाम वीडियो नोटिफिकेशन के लिए, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए ब्लॉगिंग हंग, काफ़ी अच्छी अच्छी पोस्ट्स देखने के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए और देखते रहिए ब्लॉगिंग हंग। Then I'll see you in next vlog.